तो जैसे ही मेरी बच्ची आई ना, मेरी थोड़े पैसे भी इट्टे हो गए 2-4 महीने में। फिर अभी मेरी बच्ची 6 महीने की हो गई, मेरे को चाइनीज सेंटर डाले हुए तो 2 महीने हुए। मैंने 1 साल करा, 9 लाख का जेम चाइनीज क्या मैंने किया, वहाँ भी नहीं मेरे को लग रहा था। फिर 6 महीने और कामकाज बढ़ाया, मैंने सोचा सुबह और शाम को दोनों टाइम करूँगा। सुबह भी मैंने काम किया, समोसा कचौरी का काम किया और शाम को चाइनीज़ का सेटअप करता था, फिर भी नहीं जमा। तो थोड़े बड़े पैसे करके थोड़े पैसे मतलब सिंगाले थे भी और थोड़े पैसे भी लिए, थोड़े परिवार से लिए, थोड़े घर वालों के सहयोग करके काउंटर बनवाया। काउंटर बनाने के बाद दुकान ली, दुकान के बाद अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आवाज़ ही अलग आ रही है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों आमची इंदौर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल जरूर प्रेस कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आज मैं आपको अर्जुन मंडलोई जी के बारे में बताऊंगी, जो कि आराध्या चाइनीज सेंटर के नाम से एक चाइनीज की एक इनकी शॉप है। और भैया को 7 साल लग गए हैं दोस्तों चाइनीज सीखते सीखते, और आज फाइनली अब भैया उस्ताद बन चुके हैं और चाइनीज में मास्टरी कर चुके हैं और इतना बढ़िया टेस्टी सा चाइनीज खिलाते हैं दोस्तों। इनका जो एड्रेस है, आप भोला राम से जाएंगे तो आपको उल्टे हाथ पे दूसरी गली में आप जाएंगे तो आगे ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, वहां पे भैया का आपको आराध्या चाइनीज सेंटर के नाम से शॉप मिल जाएगी। और इनका जो चाइनीज है वो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जो इनके हक्का नूडल्स हैं और जो मंचूरियन फ्राइड राइस, तो क्वालिटी भी भैया बहुत ही ज्यादा अच्छी खिला रहे हैं, काफी टेस्टी चाइनीज दे रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सीधे खाने जाइएगा आराध्या चाइनीज सेंटर पे चाइनीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अर्जुन मंडलोई है, मैंने चाइनीज सेंटर चालू किया है, मेरी बच्ची के नाम से चालू किया है आराध्या मंडलोई। और ये बोलाना उस्ताद से एक गली छोड़ के सेकंड बमनपुरी मैंने अपना सेटअप चालू किया हुआ है चाइनीज सेटअप। मैं पहले क्या खरगोन साइड का, मतलब मैं गांव का हूँ, खरगोन से हूँ। खरगोन से मेरे को इंदौर में आते आते मतलब 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो इस लाइन में मैं चाइनीज सेंटर में घुस गया। मतलब पहले मैंने काम किया, काम हेल्पर के लाइन में किया, कई प्लेटें धोई, कई ये किया। फिर धीरे 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 मतलब 2 या 4 महीने 5 महीने मेरे को सेटअप देना, हेल्पर से उस्ताद बना, कारीगर बना मैं। और थोड़ा टाइम लगा मेरे को, मतलब एक साल तो मेरे को हेल्पर से उस्ताद बनने में लगा। फिर मैंने है ना 5 साल मतलब नौकरी करी, नौकरी मैंने 5 साल रंजीत चौपाटी पर करी, मऊ नाके से पड़ता है रंजीत चौपाटी के पास। फिर उसके बाद मैंने जगह चेंज करने की कोशिश करी, मतलब मेरा कुछ भी नहीं काम हो रहा था वहाँ से, तो मैंने जगह चेंज करी। ये 9 लाख का कन्नौज 5 से लाइन में जेल चाइनीज के यहाँ आया, वहाँ मैंने 1 साल नौकरी करी। फिर भी नहीं मेरा बजट जम रहा था, फिर मेरा परिवार बढ़ गया, शादी हो गई, फिर एक छोटी सी गुड़िया हो गई। फिर मैंने और सोचा, मैंने ऑल टाइम बढ़ाऊँ, मतलब सुबह का भी काम करो, शाम का भी काम करो। तो फिर मैंने है ना मुरली वाले होटल का यहाँ समोसा कचौरी का काम सीखा, मतलब मैंने 6 महीने वहाँ काम किया सुबह का, शाम का ये चाइनीज़ का सेटअप किया। चाइनीज़ का सेटअप फिर भी नहीं गुजारा हो रहा था। फिर क्या धीरे 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 परिवार बढ़ा, एक छोटी गुड़िया आ गई, फिर भी पैसे नहीं जुड़े। तो फिर इधर उधर से थोड़ा कर्जा लेके ये अपना सेटअप चालू किया चाइनीज सेंटर। तो अपनी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद तो फिर धीरे धीरे फिर मेरा पूरा काम ही बढ़ गया। कोई बोलते ना कन्या के रूप में भगवान आते हैं, जैसे हमारे यहाँ कन्या आई है, जब से हमारा काउंट्री मतलब चेंज हो गया। तो फिर धीरे 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 कर्जे ले गए तो ये बमनपुरी ये चाइनीज सेंटर दुकान लेके रेड से डाली। क्या मतलब मैंने है ना बौर को आया ना ठंडे पानी में काफ़ी धुलाई करनी पड़ती है, तब जाके अभी ये फाइनल हुई है। अब ये ठंडी होने में इसको है ना 15 या 20 मिनट तो लगेंगे। अच्छा 15-20 मिनट। हाँ इसको तेल डाल देंगे। ये गली में मतलब वहाँ काउंटर लगाने का सोचा, पर फिर भी मेरे को नहीं मिल पाया, नगर पालिका से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तोड़ पर लगाने नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने है ना थोड़ा बोड़ा मतलब कर्जे लेके दुकान डाली, दुकान ली 16,000 रुपये मेन। फिर अपना टेस्ट भी अच्छा है, ग्राहक जो भी आ रहे अपने पास वापस आ रहे रिपीट करके। और ज़्यादा रेट नहीं, अपना ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये मंचूरियन 50,
नूडल 50, राइस 50, क्वांटिटी अच्छी, टेस्ट अच्छा, चीज़ अच्छी दे रहे, राइस भी अच्छी खिला रहे, मंचूरियन नूडल मसाले अच्छे यूज़ कर रहे हैं, और मैं तो टेस्ट की पूरी मतलब पूरा अच्छा आपको दूंगा, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका भी पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो आपको भी टेस्ट अच्छा ही मिलेगा। मेन मेरे पास क्या नूडल मंचूरियन ज़्यादा चलते हैं, फिर उसके बाद राइस हो जाता है, राइस मंचूरियन हो जाता है, चाइनीज़ बेल हो जाती है, आल मिस को उसमें बोलता है, पनीर चोपती जो भी आती है चाइनीज़ बेल हो जाती है, फिर चिल्ली पनीर सबसे बेस्ट हो गया, मोमोस हो गया, मोमोस भी चालू करते हैं, बाकी चाइनीज़ हो गया, नूडल मिस मंचूरियन, राइस मंचूरियन, मनचाहा सूप बन जाएगा, ऐसे चाइनीज़ में बहुत सारे आइटम, पर ज़्यादा रेट नहीं है, रेट वही है 50-60 रुपये, और आपकी क्वांटिटी भी अच्छी है, प्लेट भी अच्छी है आपको, और आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, मतलब चावल कंपनी सब चीज़ है ना अच्छी यूज़ करते हैं, चावल हो गया, नूडल हो गया, तेल हो गया, मतलब पत्ता गोभी सब्जी और सब चीज़ें है ना मतलब ताज़ी यूज़ करते हैं। सुबह हो गया, मैं सुबह से उठता हूँ तो मंडी जाता हूँ, मंडी के बाद 10-11 बजे घर पर आता हूँ, खाना माना खाने के बाद फिर मार्केट जाता हूँ, मार्केट से चाइनीज़ का सामान अलग से लाता हूँ, फिर किराने का सामान अलग से हो जाता है। ये फ्राइड राइस के लिए, हाँ ये फ्राइड राइस एकदम लंबा, हाँ ये खिला खिला बन, खिला खिला बन, ये क्या मंचूरियन की ग्रेवी बन, हाँ बॉल से बनाएंगे इसकी, हाँ ये क्या, ये अच्छा। फिर एक बजे फिर घर पहुंचता हूँ, घर से नहा धो के सामान रेडी करके, थोड़ा बोरा रेडी घर होता है और थोड़ा बोरा माल जो बनता है वो दुकान पर, तो मतलब 2 या 2:30 के समथिंग दुकान खुल जाती है 3 बजे से दुकान। दोस्तों ये भैया का एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये देखिए सामने भोला राम उस्ताद मार्ग से अंदर आप आएंगे तो उल्टे हाथ पे दूसरी गली में अंदर आएंगे तो ये रोड है, और ये इधर चौराहे पे आपको ये देखिए ये चौराहा है, इधर ये कैफ़े है, सोशल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, कॉर्नर पे आपको ये चाइनीज़ का स्टॉल दिख जाएगा आराध्य चाइनीज़, और इधर आपको ये भैया दिख जाएंगे यहाँ लाइव बनाते हुए। अरे ये गला नहीं रखेंगे, हाँ ये गला नहीं रखेंगे, कितनी देर रखेंगे इसको, है ना 20 मिनट तो लगे, 20 मिनट चावल को, हाँ मंचूरियन की तैयारी है ना, हाँ ये लग जाएगा, अच्छा सेट होने में भी 20-25 मिनट लगेगा, हाँ कड़क हो जाएंगे, हाँ ये क्रिस्पी रहेंगे, अच्छा क्रिस्पी हो जाएंगे, हाँ ये फुल आँच में पकता है, अच्छा गिराकी धीरे 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 चालू हो रही है, मतलब टेस्ट अच्छा आपको मिलेगा, टेस्ट की गारंटी लेते हैं, और आपको क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, सब चीज़ अच्छी मिलेगी, सब सपोर्ट है मेरे घर पर, सब मदद कर देते हैं, थोड़ा मेरे घर वाले कर देते हैं, थोड़ा लहसुन मतलब जो भी ये सब्जी हो वो है, पैकिंग का सामान हुआ, लिखा पढ़ी का हो गया, मार्केट में ये सामान लाना है ये मैं बता देता हूँ, वो मेरे को बता देते हैं, हिसाब का सब घर पर बता देते हैं, जो भी आधे घर से सहयोग मिलता है आधे मेरे तरफ से हो जाता है। आया कलर क्या हो गया, रंगत चेंज हो गई इसकी, हाँ ये और थोड़ा डार्क होगा, अभी और होगा, ये जितना डार्क होगा ना उतना किसकी रहेगी, अभी और शांति रखनी पड़ेगी, हाँ आवाज़ ही अलग आ रही है, ये अपना क्या मिक्स बन रहा है, हाँ ये नूडल मिक्स बन रहा है, नूडल मिक्स
कि आप उधर से आए, भौर कुआ तरफ से आए, बोला ना गेट के अंदर घुसे कन्नौज वाली लाइन एक गली छोड़ के दूसरी गली लेने के बाद बम न पूरी के कोने पर आ जाएगी अरेबिया चाइनीज करके। ये क्या बना रहे हैं अभी? ये है ना ग्रेवी वाला मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन। हाँ दोस्तों। ये देखिए बढ़िया सा बच्चों के लिए हक्का नूडल्स हैं ये, मतलब स्पाइसी नहीं है, सिर्फ काली मिर्च में बना रहता है और अलग ही इधर चलता है, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो साथियों ये इधर का सबसे बेस्ट है हक्का नूडल्स, बच्चों की पसंद है, काली मिर्च में बनता है, कोई स्पाइसी नहीं है, मतलब बच्चे भी प्रेम से खा सकते हैं। एक नंबर, एक नंबर। साथियों ये चाइनीज की प्रिपरेशन देख के आपके मुंह में भी आई एम श्योर पानी आ गया होगा, इतना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करा है भैया ने। और ये आप भोलाराम उस्ताद मांग आएंगे, वहाँ पे ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, दो गली छोड़ के ही आप भोलाराम उस्ताद मांग से लेफ्ट हैंड लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए सामने सोशल कैफ़े है, ये सोशल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, इसके ठीक सामने बगल में किराना दुकान है। ये देखिए चौराहा है, तो इधर आपको ये शॉप दिख जाएगी। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है और भैया काफ़ी टाइम से चाइनीज की लाइन में जुड़े हुए हैं। तो बरसात में गरम गरम चाइनीज खाने के बात ही अलग है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और यहीं तुरंत आपके सामने बनाते हैं, भारी काउंटर लगा रखा है, तो आप लोग भी आइएगा, विजिट करिएगा, हमारे भैया से मिलते जाइएगा, उनका चाइनीज ज़रूर टेस्ट करिएगा और बहुत सारे आइटम। तो साथियों मिलते हैं हम चीन दौर के अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बताते जाइएगा ताकि हम सभी लोगों को इंस्पायर कर सकें। एक दूसरे की मदद करिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।